हमारे सहयोगी बीएस गुलानी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीएस, देखा जाए तो आज दूसरा दिन है, लेकिन जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं हुआ है। आज भी तनाव लगातार बना हुआ है शंभू बॉर्डर पर। देखिए, आज किसान दूसरा दिन है तो यहाँ जमा वादा कल से भी ज्यादा हो चुका है, और आज सुबह से थोड़ा जो है शांतिमय तरीके से अपने प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे कल, लेकिन आज सुबह से जो प्रयास से अन्य जो पहुंच रहे हैं, कैमरामैन को कहूंगा कि ये एक बार दिखा भी दें अपने दर्शकों को कि किस तरह से यहाँ जो है जमावाड़ा जो है किसानों का लगातार बढ़ता जा रहा है, और सैकड़ों प्रयासियों की जो कतारें हैं वो बड़ी होती चली जा रही हैं, और आज सुबह से जो किसान है वो शांतिपूर्वक तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी तक जो है कल हालांकि 12:30 बजे से पुलिस प्रशासन को आंसू घोल गैस के जो गोले थे वो दागने पड़ रहे थे। रात को ये सिलसिला करीब 7 बजे तक जारी रहा, लेकिन अभी जो है फिलहाल बॉर्डर पर स्थिति नियंत्रण में है। इधर से भी कोई आंसू गैस के गोले नहीं छोड़े जा रहे, और ना ही जो है कोई इधर से तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें, हरियाणा की पुलिस की बात करें, तो बॉर्डर पर पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो साइन की हुई है। अन्य जो राज्य है उनसे भी जो पुलिस फोर्स है उसको भी बुला लिया गया है, क्योंकि तादाद जो है किसानों की लगातार यहाँ बढ़ती जा रही है। पंजाब की तरफ से किसान काफी अब जो लंबी कतारें हो चुकी हैं ट्रैक्टर ट्रालियों की, तो उसके बाद अपने ट्रालियों से उतर कर पीछे से आने वाले किसान पैदल जो है वो बॉर्डर की तरफ पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर किसानों के जो बंदोबस्त की बात की जाए, तो किसानों का यहाँ आसपास के गांव से लोगों ने आकर यहाँ खाने पीने का जो बंदोबस्त कर दिया, लंगर की व्यवस्था कर दी है, लेकिन अभी जो है स्थिति तनाव से बाहर है जी। जो नियंत्रण है वो पूरी तरह से बीएस गुलानी, क्या किसानों के आंदोलनकारियों के रुख में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई पड़ रहा है? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, जो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, राहत की बात है। दोनों तरफ से अपनी अपनी जगह पर, एक तरफ प्रशासन डटा है तो दूसरी तरफ आंदोलनकारी डटे हैं, क्या किसानों द्वारा किसी प्रकार की रणनीति में बदलाव दिखाई पड़ रहा है आपको? देखिए, अभी जो किसान यूनियन जगदीश सिंह गल्ले वाला है, उनके उनसे बातचीत भी हमने की है। उनका कहना है कि जो हम अभी फिलहाल पंजाब सीमा के भीतर बैठे हैं, लेकिन जो ड्रोन के माध्यम से जो है वो हरियाणा पुलिस जो है वो हमारे किसानों पर गोले डालती रही है कल भी, और कल जो रबर बुलेट्स है उनका भी इस्तेमाल किया गया है। हालांकि हम पंजाब सीमा में है, हम उनकी सीमा में गए नहीं है, इसलिए हम पंजाब सरकार से कहेंगे कि वो जो है पूरा इस बात का कड़ा संज्ञान ले कि हम अपनी सीमा में रखें, उसके बावजूद भी हमारे साथ दुश्मनों जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये धन्यवाद की वर्डिंग थी। उन्होंने कहा कि हम अपने नौजवानों से अपील कर रहे हैं कि वो संयम के साथ काम लें और जबर का जो मुकाबला है वो सबर के साथ करें। बिल्कुल बीएस, अब देखना ये है कि किस तरह से पूरी स्थिति आगे बढ़ती है।